नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। तिरंगा है आन मेरी, तिरंगा ही है शान मेरी, तिरंगा रहे सदा ऊंचा हमारा, तिरंगे से है धरती महान मेरी। सन 1965 भारत पाक जंग के अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला के धामपुर गांव में दर्जी परिवार में जन्मे मोहम्मद उस्मान का बेटा अब्दुल हमीद को बचपन से कुश्ती एवं कबड्डी का शौक था। मोहम्मद उस्मान अपने बेटे अब्दुल हमीद को बार बार बोला करते थे, सिलाई का काम करो, पर उनके अंदर जज्बा ही कुछ ऐसा था और अपने घर से निकल पड़े और फौजी के रूप में देश की सेवा के लिए। सन 1965 के भारत पाक जंग में पाकिस्तानियों को धूल चटाने का काम किया। एक के बाद एक सात पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करते हुए वीर अब्दुल हमीद ने साबित कर दिया, हमको मुसलमानों से नहीं, हमें अपने देश से प्यार है। वहीं दूसरी तरफ वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के एल गुप्ता और बिहार के पटना प्रमंडल अध्यक्ष और वॉइस ऑफ खाकी ट्रस्ट के पटना प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल आलम ने बताया कि हम हमेशा शहीदों का और वीर जवानों का सम्मान करते हैं। 1 जुलाई को वीर अब्दुल हमीद का 89वां जयंती समारोह पटना सिटी नून चौराहे का फातिमा रोशन मंजिल समेत अनेक राज्यों में मनाया गया। राजधानी दिल्ली के डेप्यूटी चेयरमैन हॉल कंस्ट्रक्शन क्लब ऑफ इंडिया CCI रवि मार्ग नई दिल्ली में मनाया गया। मुख्य अतिथि शांत मनु IAS निवेदक एवं आयोजक वाजिद अली, DIG BSF डॉक्टर आनंद कुमार, IPS वीर अब्दुल हमीद, युवा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अफरीदी इदरीसी, वॉइस ऑफ खाकी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यूसुफ इदरीसी समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। लाइव टीवी समाचार के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट, नई दिल्ली से। जितनी भी सराहना की जाए कम है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।